सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में नमन करते हुए आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेटा, हमारा जो लेक्चर चलने वाला है उसमें हम आपको पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पूर्णांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। तो मैं आपसे एक यहां पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट यह करना चाहता हूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ओके, तो देखो बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला उदाहरण है मरीच का, जिसे मिराज भी कहते हैं। ये इन दिनों में ही देखने को ज्यादातर मिलता है। ये लाइट का एग्जाम्पल है। जब भी आप गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में घूमने जाते हो ना, रेगिस्तान तो क्या, आप अपने पास वाली कोई सड़क हो उस पर निकल जाना घूमने के लिए, या किसी साधन में बैठ के जा रहे हो, किसी बस में या आपकी गाड़ी में, तो कुछ दूरी पर ना कभी कभार आपको एक फिनोमेना दिखाई देगा। वो बड़ा अजीब होगा, देखना जरा। कुछ दूरी पर शायद आपने देख भी लिया गया होगा, एक ऐसा बहम उत्पन्न होता है, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि वहां कहीं जल तो नहीं है, शायद आगे सड़क है ना वो बहुत गीली है, और वहां पर जब पहुंचते हैं ना तो कुछ भी नहीं मिलता। ठन ठन पाल मदन गोपाल, ठीक है। तो इस जो दृष्टि भ्रम है ना, इस दृष्टि भ्रम को ही हम कहते हैं मरीच का। ये होता किसके कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है, ये वृक्ष है, इसका मैंने नाम दे दिया वस्तु। ये सतह है, सरफेस है, पृथ्वी की सतह, इस प्रकार से ये पृथ्वी की सतह है। ये मैंने ऐसे बनाया है यहां बोर्ड पर, इसको मैं ऐसे कर दूंगा ना, ये सतह है। ये लेयर है वायु की, परत है। तो ये गर्मियों में ही क्यों मिलता है, सर्दियों में क्यों नहीं होता, इसका भी लॉजिक समझ लो। गर्मियों में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, उसकी वजह से पृथ्वी की सतह बहुत गर्म हो जाती है, क्लियर। और जब सतह गर्म हो जाएगी ना, तो इससे जब वायु टकराती है ना, तो वायु टकराने के बाद बेटा गर्म हो जाती है, ठीक है ना, कंपेयर टू ऊपर की परतों की, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ूंगा तो वायु मुझे ठंडी महसूस होगी, और नीचे की वायु कैसी होगी बेटा, गर्म। तो मैं पीछे पढ़ाया था ना आपको, अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है, माध्यम भी ताप पर निर्भर करता है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, वहां का माध्यम विरल होता है, तो गर्म वायु प्रकाशिक विरल माध्यम, क्लियर। ठंडी वायु प्रकाशिक सघन माध्यम। कंपेयर किससे कर रहे, जस्ट नीचे वाली परत से, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, यहां पर गर्म वायु हुई तो नीचे से, नीचे वायु का घनत्व कैसा होगा, कम होगा, ऊपर वायु का घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी। तो नीचे से जब मैं ऊपर जाऊंगा ना, ऊपर की ओर बढ़ूंगा, तो बेटा घनत्व भी बढ़ेगा और उसका अपवर्तनांक भी बढ़ेगा, क्लियर है ना। अब देखो, यहां पर कोई ऑब्जर्वर है सब, किसी बस वगैरह में चल रहा है वो, ठीक है, कुछ ऊपर होगा, तो यहां से किरणें ऐसे जाएंगी इस वायु की परतों में होकर गुजरकर। और मैंने क्या बोला कि ऊपर वाली परत जस्ट नीचे वाली परत की कैसी होगी, सघन होगी। जैसे इन दो परतों को कंपेयर करें, ये मैंने काफी लेयर बना रखी है, परत बना रखी है बेटा वायु की, ठीक है ना। तो ये वायु और इस वायु को हम कंपेयर करें दोनों लेयरों को, तो ये कैसी है इसके कंपेरिजन में, ये ठंडी है, ये गर्म है, तो ये विरल, ये सघन, ठीक है ना।
और सगन से अच्छा। तो ये जो रेजे ना हमारे किरणे ना वो कौन से माध्यम से आ रही है? सगन से। और सगन से भ्रल में आती है ना, कौन सी घटना होने के चांस है? क्रांतिक कोण की कंडीशन है, सही कह रहा हूं ना। और सगन से सगन में लौट जाए तो किसकी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब देखो ये आ रही है तो लगातार इसका क्या होगा? लगातार अपवर्तन होता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सगन से सगन में जा रही तो लगातार मैं क्या कह सकता हूं? सगन से भ्रल में जा रही तो अपवर्तन होगा, लगातार अपवर्तन होगा, यूं कहो आपको। और एक कंडीशन जब ऐसी आ जाए, कौन सी? आई इज ग्रेटर देन आईसी हो जाए। जिस कंडीशन पर, जिस परत पर आई ग्रेटर देन आईसी हो गया ना, तो मेरा क्या हो जाएगा? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो लगातार ऐसी परतों में होकर जब ये किरणें गुजरेंगी, मैं एक किरण से दर्शा रहा हूं, किरण तो काफी सारी होंगी यहां पे, ऐसे काफी सारी परतें निकलेंगी, ओके बेटा। एक परत को विशेष में मान लेता हूं या निर्देश, तो लगातार वो क्या होगी बेटा? उत्तरोत्तर अवलंब से दूर हटती जाएगी। सगन से भ्रल में जाती तो अवलंब से दूर ही हटती है ना, उत्तरोत्तर लगातार अविलंब से दूर हटती जाती है। और जब ये कंडीशन उत्पन्न हो जाए, जब आई ग्रेटर देन आईसी हो जाए, उसी स्थिति में किरण तुरंत उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही है, कोई डाउट तो नहीं ना। और अब जब जैसे देखो ये यहां पर मुड़ गई तो देखें इस प्रेक्षक को क्या लगेगा, ये किरण कहां से आ रही है? बिल्कुल सीधी आ रही है, ये सीधी यहां से जाती हुई प्रतीत होगी। ये सतह पर परछाई है इस वृक्ष की, ठीक है ना। इस वृक्ष की क्या है? ये परछाई है ऐसे सतह पर, ये सरफेस है इसका, ये बताया था ना मैंने अभी, ऐसे नीचे नहीं है सतह के नीचे कहीं, समझे आप, ये इस प्रकार से है, ओके। तो जो इसकी परछाई है ना, वो हम दूरी से जब देखेंगे ना, वो क्या नजर आएगी हमको? कहीं यहां पर पानी भरा हुआ है, जलाशय होने का दृष्टि भ्रम होता है। जब वहां पहुंचते हैं तो सड़क हमको सूखी मिलती है। इसी अजीब घटना को, इसी दृष्टि भ्रम को हम मरीचिका या मिराज कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? ये समझ में आ गया होगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब नंबर दूसरी है बेटा, हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है? ध्यान रखना बेटा, हीरे की जो संरचना है वो षटकोणीय ऐसे होती है कुछ, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, पिछली बातों को ध्यान रखो थोड़ा सा। हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण मैंने बताया था ना, आईसी बराबर वो 24 डिग्री बताया था, 24.4 होता है जनरली, आप 24 रन करो, 24 होता है, ठीक है ना, क्रांतिक कोण। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, हीरा ज्यादा क्यों चमकता है? कांच क्यों नहीं चमकता? हालांकि कांच भी चमकता है, लेकिन दोनों को कंपेयर किया जाए ना, दोनों को कंपेयर, कांच का कितना होता है आईसी? 41 होता है, 41 डिग्री कितना होता है बेटा? आईसी क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं, पहले हीरा के बारे में बात करते हैं। जब हीरे के, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा ना, क्या करेगा बेटा? प्रकाश जब भी प्रवेश करता है तो यहां टकराएगा, टकराएगा वहां आपतन बिंदु पर अवलंब। इसका क्रांतिक कोण कितना बेटा? 24 डिग्री। तो हर कंडीशन में हीरे के फलक पर आई ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? आईसी। और एक बार अगर प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर जाए, क्या कर जाए? प्रकाश प्रवेश कर गया तो ध्यान रखना हीरे
हीरा और वायु का जो अंतराप्रस्थ है उसका मैंने अपवर्तनांक बताया, वो बताया आपको क्रांति कोण 24 डिग्री होता है बेटा, कितना होता है 24 डिग्री। और हर कंडीशन में आई ग्रेटर देन कौन से नियम का पालन होगा, आईसी का, तो किरण भाग जाएगी नहीं, बताओ जा पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएगी, और हीरा हमारा चमकता रहेगा, कोई डाउट तो नहीं है ना, हीरा हमेशा क्या होता रहेगा बेटा, चमकता रहेगा। अच्छा अब जो हीरे की कटिंग, अगर हमको हीरा और अच्छा चमकाना है, एक बात और बता दूं मैं आपको, हर हीरे का मूल्य एक जैसा नहीं होता, ये जो कारीगर होता है ना जो हीरे की कटिंग करता है ये उसकी दक्षता के ऊपर भी डिपेंड करता है हीरे का मूल्य, ये ध्यान रखना। तो हीरे को इस प्रकार से तराशा जाता है, तराशा मतलब कटिंग इस प्रकार से की जाती है कि हर कंडीशन में हर फलक पर आई ग्रेटर देन क्या हो, आई सी, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो, ठीक है ना। तो बेटा तो हीरे की चमक है ना वो हमेशा हमेशा कारीगर की दक्षता पर डिपेंड करती है, ओके, उसके हिसाब से उसकी चमक के आधार पर उसका मूल्य डिसाइड होता है। क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा अब हम कंपेयर करें कांच से, हालांकि कांच की भी हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं, आपके घरों में भी सजावटी लैंपों में भी हम ऐसा कांच लाते हैं कि वो चमकता रहता है लाइट की रोशनी में, ठीक है ना, लेकिन हीरे के कंपैरिजन में थोड़ा कम चमकता है, वो जरा देखें क्यों। हीरे का जो क्रांति कोण है वो 24 डिग्री है और कांच का जो होता है वो 41 डिग्री होता है, तो यूं बताओ आप मेरे लिए आई ग्रेटर देन आई सी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आसानी कौन सी कंडीशन में रहेगी, इस वाली में कि इस वाली में, इस वाली में भाई, आईसी से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा करना है, आपतन कोण 24 है यहां 41 है, तो ज्यादा किसमें कर पाएंगे, तुरंत इसमें, ये कंडीशन जल्दी अप्लाई हो जाएगी, ओके। इसलिए हीरा जल्दी अर्थात यूं कह सकता हूं कांच से ज्यादा चमकता है, क्योंकि जितनी भी आपकी वस्तु हैं उनमें हीरे का क्रांति कोण सबसे कम होता है। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अब आप इसको ढंग से समझ लेना, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, सारे डिटेल उसमें बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीका से मैंने उसमें लिख रखी है, तो समझ में आसानी से भी आ जाएगी, अगर मैं ना भी समझाता ना तो भी आपको समझ में बहुत अच्छा आ जाता उसको पढ़ने के बाद, ओके। अब तीसरा पॉइंट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशित तंतु, ठीक है ना, इसका यूज भी, इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, जिसका उपयोग एंडोस्कोपी नाम सुना हो, बायो वाले स्टूडेंट तो जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो आगे सीख भी लेंगे अगर डॉक्टर बने तो, ठीक है ना, तो उसको मैं पढ़ा रहा हूं अभी। हाँ देखिए बेटा, तीसरा प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर, यह एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है, वैसे हालांकि इसको अलग अलग क्वालिटी की बनाया जाता है, जैसे सिलिका, SiO2, क्वार्टज, ऐसे पदार्थों से ये निर्मित होती है, और आप कल्पना नहीं कर सकते इतना आकार इसका छोटा होता है, जो मनुष्य का बाल है ना, आपका जो बाल है ये, एक बार हाथ से पकड़ के देखें जरा, देख लो, महसूस करो आप, कर लिया ना, इतना मोटा होता है, इतने व्यास का होता है, ओके। और यह एक ऐसी प्रकाशी युक्ति है बच्चों कि इसके द्वारा प्रकाशिक संकेतों को बिना ऊर्जा हानि के, किसके बिना ऊर्जा हानि के, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यह तो हमने कल ही पढ़ा दिया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में कोई ऊर्जा में हानि तो बिल्कुल नहीं होती, होती है क्या,
बिल्कुल नहीं होती, ठीक है ना। तो ये है, मैंने इसको जूम करके थोड़ा बड़ा बना करके मैंने आपको दर्शाया है। इसमें भी दो लेयर होती हैं, ये बाहर वाली लेयर है जो रेड से दर्शाई गई है, जिसे कहते हैं अधिपट्टन। क्या? अधिपट्टन। इंग्लिश में कहते हैं क्लैडिंग। आंतरिक सतह को कहते हैं क्रोड, क्रोड। इंग्लिश में कहते हैं कोर। इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा मैंने इसे, हिंदी वर्ड क्यों यूज लिया है कि किताब में बुक में भी आपको यही नाम मिलेगा, कभी पेपर में न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, या थियोरेटिकल एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग किसमें किया जाता है, एंडोस्कोपी में, बताएंगे हम अभी। ओके, ये क्लैडिंग और ये कोर। अपवर्तनांकों की बात करें, कोर का अपवर्तनांक मैक्सिमम होता है क्लैडिंग से। कोर का अपवर्तनांक ज्यादा होता है बेटा क्लैडिंग से, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं प्रकाश को आपतित कराता हूं प्रकाशिक संकेतों को। ये आपतित संकेत, ओके। अब ये गए कौन से माध्यम पहुंच गया, ये कौन सी परत है अंदर वाली, जरा देखें, कोर है ना कोर, बाहर क्लैडिंग, अपवर्तनांक किसका ज्यादा, कोर का। तो ये कौन सा माध्यम हुआ, सघन, ये विरल, और सघन से विरल में जाती है ना इस प्रकार, ये जाएगी जहां टकराई वहां आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या बनेगा, अवलंब, अवलंब बन गया। और इस कंडीशन में इसकी संरचना इस प्रकार से होती है बच्चों कि हर कंडीशन में आई ग्रेटर देन क्या होगा, आई सी। ऐसे ही यहां भी ऐसा ही होगा, ऐसा यहां भी होगा, ऐसा यहां भी होगा, ऐसा वहां भी होगा, 100% होगा। और 100% होगा तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, टी आई आर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस कंडीशन में जितनी मैंने प्रकाश को आपतित कराया उतना ही मुझे मिल जाएगा 100%, कोई ऊर्जा की हानि नहीं। तो मुझे ऊर्जा, वही ऊर्जा मुझे, इसलिए इसमें ऊर्जा की भी हानि नहीं होती है। तो बिना ऊर्जा हानि के ऑडियो और वीडियो, ठीक है ना, श्रव्य संकेत मतलब इनके संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। ऐसी प्रकाशी युक्ति प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल या फाइबर कहलाती है। इसका उपयोग सजावटी लैंपों में, ठीक है ना, एंडोस्कोपी में, अगर आप अपने पेट के, बहुत रेयर केस में ये किया जाता है बेटा मेडिकल में, चिकित्सा विज्ञान में, तो अंदर पेट के दृश्य को देखने के लिए इसको यहाँ होकर डाला जाता है, और अंदर के दृश्य को आगे यहाँ से कनेक्ट इसका टीवी या कंप्यूटर से होता है बेटा, अंदर पहुँच जाता है पेट के अंदर, तो पेट के दृश्य को आसानी से ये बता देता है। रेयर केस में किया जाता है जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, बारीकी से संकेतों को प्राप्त करने के लिए, तो उस विधि को कहते हैं एंडोस्कोपी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग तीन आ जाते हैं, नंबर एक एंडोस्कोपी में, नंबर दो सजावटी लैंपों में, नंबर तीन प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाने में। क्लियर बेटा, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आपके एग्जाम्पल हो गए, कोई डाउट तो नहीं है ना, ये बहुत अच्छी तरीका से आप पर आने चाहिए, और पीडीएफ आपको मैं सबमिट कराई दूंगा, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लगातार हमारी क्लास में बने रहें, ओके, धन्यवाद।